बसमिल डियर स्टूडेंट्स वालेकुम आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और uh, आज मैं बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताना जा रहा हूँ आप लोगों को कि okay, कुछ लोगों को इशू था कि बहुत से जी डी असाइनमेंट्स ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो उनको ये समझ नहीं आता कि इनको कहाँ पे चेक किया जाए तो मैं आज आपको एक टिप बताने जा रहा हूँ सबसे पहले आप जो है ना अपना एल ओपन करें और उसके बाद अपना यहाँ पे अपने आईडी और पासवर्ड लगाना है तो मैं अब सामने एक एल एम एस ओपन कर रहा हूँ तो जब आपका एल एम एस ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आ, सबसे पहले आपका ये है होम एंड देन होम के नीचे एक न्यू माय टू डू कैलेंडर पहले ये ओल्ड जब था तो माय टू डू लिस्ट के नाम से आता था तो इसको यूनिवर्सिटी ने अब रिसेंटली अपडेट कर दिया है तो बड़ा इजी हो गया है तो इसको आप अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है माय टू डू कैलेंडर इसको क्लिक करने से क्या होगा इसको जो आप क्लिक करेंगे तो आपको एक गूगल क्रूम की जानब से आप देख रहे हैं ये पूरा कैलेंडर आपको नज़र आएगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है मई 2021 और ये मंथ है वीक डेज इसको समझाने का आ, ए, मकसद ये है कि आप लोगों को एक ही पेज पे सारी चीज़ें अपनी समझ आ जाएँ कि हमारी कौन सी असाइनमेंट कब तक आई हुई है तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सी एस टू की असाइनमेंट इसकी आई हुई है बच्चे की एक स्टूडेंट की तो इसको अगर आप देखें तो ये छः सात और आठ इट मीन कि इस टाइम पीरियड में इसने ये असाइनमेंट जमा करवानी है तो यहाँ पे नीचे अगर देखें तो साथ ही में उसकी इन्हीं डेटों में एक और असाइनमेंट आई हुई है जो कि आठ तक जिसका टाइम था और उसके नीचे मैथ की आई हुई है तो आप ये अगर देखें तो यहाँ पे और ये इतना आसान है कि अगर आप देखें यहाँ पे अगर इसको क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली आपको उस असाइनमेंट पर ले जाएगा तो यहाँ पर आप देखें असाइनमेंट जब से आई है और उसके बाद इसकी लास्ट डेट ट्वेंटी यहाँ पे आप इज़ली देख पाएंगे तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ तो यहाँ पे देखें आप फिर माई टू डू कैलेंडर में जाते हैं तो कैलेंडर में अगर आप देखें तो आपको ये देखें ये आप जो असाइनमेंट यहाँ से शुरू हुई है और ये जिन आप जा रही है आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सत्रह और इसके बाद देखें ट्वेंटी तक बीस तक तो बीस तक यानी कि इसको इतना टाइम उन्होंने दिया है आप इस देख सकते हैं कि आठ से लेकर आठ छः सॉरी छः से लेकर छः से शुरू हो रही है और ये असाइनमेंट आपकी बीस तक है बीस तक आपने इसको सबमिट करवाना है लास्ट डेट इसकी ट्वेंटी है ठीक है और दूसरा अगर आप देखें तो सी एस दूसरा सब्जेक्ट भी छः को शुरू हो रहा है जबकि ये यहाँ देखें यहाँ जा रहा है पंद्रह एंड देन ये ये सत्रह सत्रह को लास्ट डेट इसकी बनती है ये एक ही पेज पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और एक और देखें कि बड़ा इज़ी हो गया ये ये आप देखें मैथ टू ज़ीरो टू तो यहाँ से मैं टू टू शुरू हो रहा है तो इसका कब तक है जी पीरियड ये बीस तक तो इसको अगर क्लिक करें तो ये आपको मैट टू ज़ीरो टू पर डायरेक्टली ये आपको इंटरनेट के थ्रू ले जाएगा तो आपका नेटवर्क यानी कि इंटरनेट चल रहा हो तो उस दौरान ही आप ये डायरेक्ट आप लाइव चेक कर सकते हैं तो ये अगर देखें अगर मैथ इसको जब क्लिक करें तो ये आपको डायरेक्ट मैथ की सेगमेंट पे ले जाएगा और इसी तरह से आप देखें अगर यहाँ पे स्टैट की जीडीबी स्टैट की जो जीडीबी है ये नंबर वन आई हुई है तो ये देखें आपकी शुरू हो रही है 18 को आने वाले दिनों में तो ये आपकी चौबीस को ख़त्म होगी उसके बाद आप ये सी एस फोर जीरो टू देखें असाइनमेंट ये सत्रह को आ जाएगी और ये इसका टाइम पीरियड ट्वेंटी फर्स्ट तक है तो इसी तरह आपकी क्विज आएगी एटीन को और ये 19 को रात बारह बजे ख़त्म हो जाएगी इसी तरह आप वही जो ऊपर आ रही थी तो इसके साथ अगर आप देखें तो सी एस टू की क्विज भी आ जाएगी तो ये आपकी यहाँ पे ट्वेंटी सेवन को ख़त्म होगी इसी तरह आपका फी चलान वो भी ट्वेंटी सेवन को अपलोड होगा तो यहाँ आप देखें अगर तो ये मैथ की क्विज आपकी आएगी थर्टी फर्स्ट को और ये ख़त्म कब हो रही है यकम को फर्स्ट आगे जून को तो फिर तीन जून से लेकर पाँच जून तक ये आप देखें ये कोई जाइए तो यहाँ ये चीज़ अगर आप देखें तो ये अपडेट होता रहता है तो यहाँ आप डायरेक्ट भी क्लिक करके इसको देख सकते हैं और दूसरा आप यहाँ पे आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि यहाँ पे ये देखें आपका फ्राइडे दे, सैटरडे संडे मंडे ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और यहाँ पे मैं समझाने का मकसद ये था कि आपको इस इन लाइनों की इन ग्राफ्स की जो कि यूनिवर्सिटी ने बनाई है आप लोगों के लिए इसको समझने में आसानी हो और तमाम जो डाटा है वो एक पेज पे आपको नजर आ रहा है तो एक की नज़र में एक ही पेज में आप अपनी तमाम असाइनमेंट्स चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी असाइनमेंट्स आई हुई हैं कौन सा जी आया हुआ है और कौन सी आपकी कोइज आई हुई हैं तो ये इसको कहते हैं एक्टिविटी कैलेंडर तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा कैलेंडर समझ आ गया होगा तो आप आगे भी जब भी एल सपना अपना ओपन करें तो ज़रूर इस कैलेंडर को चेक किया करें एक दफ़ा डेली आ, दिन में एक दफ़ा या शाम को एक दफ़ा या दिन में दो बार आप इसको रिकमेंड है कि दो दफ़ा आप चेक कर लिया करें कि यहाँ आपका जी आया हुआ है क्विज आई हुई है ये कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है तो ये उम्मीद है ये आपको नज़र आ रहा होगा तो अगर किसी एक्टिविटी को आपने ओपन करना है तो उसको भी आप यहाँ से आराम से इसको आप क्लिक करके तो ओपन कर सकते हैं तो ये आप अगर देखें यहाँ पे ये आपका आया हुआ है जी तो इसको अगर आपने क्लिक करना है तो ये जब हम क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट उस जी डी ले जाएगा और जी का मैं ऐसा सब बताता चलूँ कि आप अगर जी करना चाहते हैं तो उसको व्यू करें सबसे पहले व्यू के बाद क्वेश्चन रीड करें क्वेश्चन रीड करने के बाद उसको पोस्ट पे क्लिक करें और उसका आंसर यहाँ दें आंसर देने के बाद इसको मैसेज को आप जो है उसके बाद आपने पोस्ट कर देना है तो यही तरीकाकार होता है तो ये वन टाइम होता है एक दफ़ा ही पोस्ट किया जाता है बार बार ये पोस्ट नहीं हो सकता जी डी बी की ये है और इसी तरह कोइज और सारी चीज़ें आप यहाँ से भी लिंक आउट करके चल सकते हैं तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी तो थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़